हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम ले गए हैं बोया का वायरलेस माइक्रोफोन, जिसका आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करने वाले हैं। और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो आपको ये कितने का मिल जाएगा मार्केट से वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ ये किस किस के साथ जो कंपेटिटेबल है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। देखो फीचर्स वगैरह में इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। क्लियर रिकॉर्डिंग साउंड वो तो है ही है, जो कि एक वायर वाला माइक जो आता है जो कि वोया का, वो भी काफ़ी अच्छी जो रिकॉर्डिंग वगैरह करता है, वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, जो कंपेटेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कंपेटेबल विद स्मार्टफोन, DSLR कैमराज, कंज्यूमर कैमकॉर्डर, PC ETC। जैसा आपको पता होगा जो वोया का वायर वाला माइक आता है उसमें क्या है कि वो जो स्मार्टफोन के साथ वर्किंग नहीं करता, उसके लिए आपको जो कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं। बट ये जो ये स्मार्टफोन के साथ भी वर्किंग करता है बहुत अच्छे से, और DSLR कैमरा वगैरह, कैमकॉर्डर और PC यानी कि लैपटॉप वगैरह, आपके जो कंप्यूटर वगैरह उनके साथ भी बहुत अच्छे से काम करता है। और काफ़ी लाइट है, कॉम्पैक्ट है, ईजी फॉर कैरिंग है बाकी में, और ईजी टू यूज़ है। तो गाइस, वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं स्पेसिफिकेशन बताने के लिए, फिर मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो कि इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट्स है। इसमें जो बैटरी यूज होती है 1.5 DC बोल्ट यूज़ होता है इसमें, छोटे छोटे सेल आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, और बाकी इसको अनबॉक्स करता हूँ, निकालते हैं अंदर की तरफ से इसमें से। तो गाइस, कुछ अंदर से इस तरह का इसके अंदर से केस निकलता है, जो कि बाकी में काफ़ी प्यारा है, काफ़ी जो हैवी यहाँ पर लग रहा है। जो कि इस तरह का जो बॉक्स है, जो हार्ड डिस्क आती है हमारी सेगेट की, उसके लिए कुछ उसके लिए भी इस तरह का सेम बॉक्स आता है। तो फिलहाल इसको ओपन करते हैं, इसको छोड़िए है पहले इसके अंदर से मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं। पहले तो गाइस, इसके बॉक्स के साथ एक वारंटी कार्ड है, और दूसरा इसके साथ है इसकी जो गाइड बुक जो होती है इसके साथ आती है, यूज़र मैनुअल वगैरह। इसके अंदर जो इसमें मेंशन किया गया कि डिस्क्रिप्शन में है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर इसके पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं कि किस तरह के यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे आपने यूज़ करना है, सब भी इसमें जो मेंशन है। खैर, इसको छोड़िए, इसको रख देते हैं साइड में, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज़ करना, तो फिर इसमें देखने की इसमें जरूरत नहीं। तो इसको ओपन करते हैं, तो इसको जैसे यार ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह के अंदर से जो इसमें ये माइक हमारा दिखता है, वायरलेस माइक, जिसमें यार एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। ये जो हमारा हो गया रिसीवर है, ठीक है, इस पर मेंशन है, और दूसरा हो गया हमारा ट्रांसमीटर, दो चीज़ें इसमें होती है। बाकी इसके साथ में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो एक केबल है, जो कि गाइस ये केबल है जो कि स्मार्टफोन के लिए, यहाँ पर स्मार्टफोन का आइकन बना हुआ है, और कुछ इस तरह की केबल है इसमें। एक जो एक पिन जो है, ऑडियो जैक जो है, जो कि 90 डिग्री का बना हुआ है और एक नॉर्मल साइज़ में है। ऑलराइट, इसको रखते हैं साइड में। फिर दूसरा जो है एक माइक है हमारे पास कुछ इस तरह का, जो कि हमारे जो इसमें ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में लगता है। खैर, अब इसको और बाकी इसके अंदर जो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हो रहा है इसमें। एक तो ये कैमरे के लिए जो हो गया, कैमरे के लिए हो गया यहाँ पर जो एक ऑडियो जैक। बाकी फिर इसके अंदर जो ये फोम है जो कि माइक पे लगता है, ऑलराइट, और ये फिर एक पिन वगैरह टाइप की है इसमें लॉक वगैरह माउंट करने के लिए। इसमें आपको बताने वाला हूँ अब इसको यूज़ कैसे करना है। नॉर्मली जो आपके जो हो सकता है ये का जो माइक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, इसमें जो दोनों पेड आए हैं, बाय द वे पेड नहीं आते, आपने चेक कैसे करना, पहले तो आप जैसे ही इनको दोनों को ऑन करेंगे तो यार अगर इसमें जो लाइट है, इनकी जो लाइट है इसमें इंडिकेटर वाली लाइट, अगर सेम टाइम पे दोनों ब्लिंक हो रही हैं तो इसका मतलब जो है ये कनेक्टेड है आपस में, तो आपको पेयरिंग करने की यहाँ पर जो ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, यानी इस वक्त इनकी जो लाइट है, देखो दोनों की सेम टाइम पे जो ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये पेयर्ड है। ऑलराइट, ये तो ये हो गया। अब गाइस, बाय द वे होता ही है कि अगर ये पेयर्ड नहीं आते तो आपने क्या करना है, एक किसी भी एक जो कि ट्रांसमीटर हो या रिसीवर, आपने उसको होल्ड कर देना लाइक दिस, और जो इसकी लाइट जो कंटिन्यू ब्लिंक करने लग जाएगी, एक को ऑफ करने के बाद आपने इसको होल्ड करना है तो इसकी लाइट जो कुछ इस तरह से जलने लग जाएगी, तो आपने सेकंड वाले को जो ऑन कर देना, तो इस तरह से जो दोनों पेयर हो जाएंगे, इनकी जो लाइट है सेम टाइम पे ब्लिंक करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम टाइम पे इनकी जो लाइट है ब्लिंक कर रही है। ऑलराइट, तो गाइस अब बात करते हैं इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा कैमरे के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर जो ऑडियो के लिए इन्होंने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो वो पिन ऑडियो जैक वगैरह दे रखे हैं, जो कि ये स्मार्टफोन के लिए है, जिसमें 90 डिग्री का एक पोर्ट भी दिया, ऑडियो जैक दिया हुआ,
तो इसमें स्मार्टफोन वाले पे यहाँ पर जो ये एक आइकन भी लगा हुआ है, एक स्टिकर लगा हुआ। स्मार्टफोन की जैक आपको पता ही होगी कुछ इस तरह की होती है, ऑडियो की, ईयरफोन की आपको पता ही होगा कुछ इस तरह की जो जैक होती है ऑडियो वाली। बाकी इसमें एक 90 डिग्री का बना हुआ, ये स्मार्टफोन के लिए बनाया हुआ इन्होंने कि हालांकि ये कनेक्ट तो आपके जो इसमें रिसीवर में ही होने वाला, तो आपने क्या करना है, इस केबल को लेना है, इसमें कनेक्ट कर देना है यहाँ पर लाइन आउट वाले में, लाइन आउट वाले में कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपने माइक जो हेडफोन है उसमें नहीं कनेक्ट करना, तो लाइन आउट में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है इसका, दूसरा जो जैक है ये जो कि स्मार्टफोन के लिए है, इसको स्मार्टफोन में लगा देना है, दैट्स इट, ये हो गया। अब बाकी रहा हमारा ट्रांसमीटर जो कि हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाला, उसमें देखो क्या लगेगा, उसमें बस सिंपल सा ये माइक है जो कि एक माइक इसके साथ दिया हुआ है इन्होंने, ये आपने लगा देना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो आइकन बने, एक लाइन इन है एक माइक का है, दिख रहा है आपको जैसे एक लाइन इन है एक माइक का। तो आपने यहाँ पर जो माइक वाले आइकन में जहाँ पर बना उसमें जो माइक कनेक्ट कर देना, तो ये इस तरह से जो आपका जो कनेक्ट हो जाएगा आपके स्मार्टफोन से। ऑलराइट, अब बात करते हैं कैमराज की, तो कैमरा से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या अपने पीसी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर में तो आपका जो माइक होगा इस तरह से कनेक्ट होगा सेम, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना आपने। बट जो रिसीवर है, रिसीवर में आपने जो केबल लगानी है वो इस तरह की लगानी है जिसके जो जैक दोनों साइड से सेम इस तरह के हों, एक यहाँ पर जो लग जाएगा लाइन आउट में लग जाएगा और दूसरा जो ऑडियो का जैक है वो लग जाएगा आपके कैमराज में, पीसीज वगैरह में। इस तरह से आप जो इनको कनेक्ट कर सकते हैं और जो अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, इस तरह से जो आप वायरलेस माइक को बोया के यूज़ कर सकते हैं। अगर इनके रेट की बात करूँ, ये कितने का जो आपको मार्केट से मिलने वाला है, तो इस पे जो MRP गाइज यहाँ पर जो लिखा हुआ है बॉक्स पे जो मेंशन है, क्योंकि जो मॉडल है गाइज इसका है ये बोया का बाय WM4 मार्क सेकेंड, जो कि 95 रुपये का इसका MRP है और जो कि अमेजोन पर आपको मिल जाएगा 8200 से लेकर 8300 तक का ये आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, इतने में आपको मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें आपने वायर वगैरह लेके घूमना नहीं है, जो कि इसका एक वायर वाला माइक आता है और भी जो भी आते हैं उसमें फिर वायर को लेके इधर से उधर घूमते रहो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप ये बोया का वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ऑडियो क्वालिटी तो आपको पता ही होगी, जो कि इसकी वायर वाले माइक की ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो ये इसकी तो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और इसमें देखो बैटरीज कौन सी यूज़ होती है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। बैटरी जो इसके अंदर से कुछ इस तरह की यूज़ होती है, इसको बंद कर देते हैं, जिसके अंदर सेल डलते हैं, यहाँ से ओपन होता है, ये इस तरह की जो गाइस इसके अंदर बैटरी यूज़ होती है, ये छोटे वाले सेल हैं। आपने रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करनी है, यहाँ पर 1.5 DC वोल्ट की बैटरी यहाँ पर जो यूज़ होने वाली है। ये कुछ इस तरह से इसमें लो हो जाएगा लाइक दिस, सेम इसका भी इस तरह का ये ऊपर है, ठीक है। बाकी इस बैटरीज के लिए आप जो यूज़ कर सकते हैं, चार्जर यूज़ करते हैं कर सकते हैं, इसमें जो बैटरी हमने यहाँ पर रिचार्जेबल यूज़ कर रिचार्जेबल ही आपने यूज़ करनी है इसके लिए, और उसके लिए एक चार्जर भी ले लेना है। ऑलराइट, तो आई होप आपको गाइस भी ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक एंड शेयर, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।